गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली वो देखिए, ये सेकंड पार्ट है उस सीरीज़ का, बार्सिलोना ट्रिप का। तो आज एक्चुअली सुबह काफ़ी इवेंटफुल रही बिकॉज जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हम लोग मेट्रो लेके यहाँ वहाँ घूम रहे थे एंड वी गॉट वेरी कम्फर्टेबल विद दैट। तो आज हमने पार्क वेल जो यहाँ पे है मेरे पीछे है उसके विद गाइड टूर टिकट्स लिए थे और उनका ये कहना था कि यू हैव टू रीच अर ऑन टाइम, एक मिनट भी लेट हुआ तो यू विल नॉट बी लेट इन। सो ऑब्वियसली काफ़ी दूर था तो हमने सोचा मेट्रो से ही जाएंगे। सो एक्चुअली मेट्रो में जाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हुआ बिकॉज हम लोग गलत प्लेटफॉर्म पे घुसे, मतलब ऑपोजिट साइड में, और इंटरनली दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते थे। तो हमने एग्जिट किया और दूसरी तरफ आने लगे और हमारा टिकट एक्सेप्ट नहीं हुआ बिकॉज इट वॉज़ लाइक आपने अभी एंटर किया, वापस एंटर कर रहे हैं, मतलब सिस्टम को लगा हुआ किसी दोस्त को टिकट थमा दिया है या ऐसे कुछ। सो एक बात यहाँ पे है कि बहुत सारे इंडियंस हैं तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। एक अंकल आए, उनको पता चला हमारा कन्फ्यूजन और उन्होंने दरवाज़ा खोल के रखा और बोले चलो 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 अंदर जाओ। तो ही रियली हेल्प्ड अस आउट। वी हैव रीच्ड द प्लेस, लेट्स गो। अभी पार्क वेल का टूर हमारा ख़त्म हुआ एंड इट वाज अमेजिंग एंड आई एम ग्लैड दैट वी टुक अ टूर गाइड बिकॉज जब टूर गाइड होता है तब आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है जो लाइक फॉर एग्जांपल हम ये पार्क अपने आप भी घूम सकते थे एंड वी वुड हैव लव्ड इट, बट विद द टूर गाइड वी कुड स्किप द लाइन, वी कुड फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट वॉट द आर्किटेक्ट मेंट टू डू और वाई दिस पार्क वॉज बिल्ड द वे इट वॉज बिल्ट। और बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है यहाँ पे। गाउडी जो यहाँ का मेन आर्किटेक्ट है, जैसे पिछले वीडियो में हमने ला सग्राडा फैमिलिया देखा, उसका भी आर्किटेक्ट हुई है, तो उसके कहने का क्या इंटेंट है हर एक मॉन्यूमेंट में या फिर हर एक उसके काम में, वो देखिए इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। तो इसलिए आज हमने सोचा कि अभी बाकी का पूरा दिन खाली है तो यहाँ पे गाउडी के अलग अलग जो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स है वहाँ पे हम चलते हैं। सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू बी ट्रैवलिंग बाय द मेट्रो। अभी रुक के कहीं पे मे बी वील गेट अ कॉफ़ी एंड वील ट्राई टू ऑल्सो ईट अ लिटिल बिट लोकल टूडे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं सो डेफिनेटली सब्सक्राइब तो करिए बिकॉज अगले वीडियो में वी आर गोइंग टू गो आउट ऑफ बार्सिलोना टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पेन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं कॉमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। यार आई एम सो हैप्पी विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हियर बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है यार। कहीं पे भी जाना हो आप मेट्रो और बस से जा सकते हो, डे पास हर जगह चल रहा है, हर दो मिनट में ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है एंड इट इज़ जस्ट अमेजिंग। सो एनीवे अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल दे सान पाओ। सो गूगल पे सर्च करके हमने देखा कि दिस इज़ क्लोज़र टू वे वी आर पार्क वेल, तो हमने प्लान किया है कि जहाँ पर हम रहते हैं और जहाँ पे हम थे विच वॉज़ रियली फार अवे, उसके बीच में जो भी हमें देखना है वैसे करते 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 वी आर गोइंग टू गो। टुडेज़ फोकस लाइक आई सेड इज़ गोइंग टू बी ऑन गाउडीज़ आर्किटेक्चर, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड लोकल खाना भी खाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। हम लोग ऑलमोस्ट आ गए हैं। फॉर दोज़ ऑफ हू यू नो, नाइट्स टेम्पलर के क्रॉसेस हर जगह पे दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी हम पहुँच गए हॉस्पिटल, देखते हैं कैसा है।
सो ये एक हॉस्पिटल हुआ करता था और वो दिखाने के लिए इन लोगों ने सिमुलेशंस किए हैं ऐसे। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा कूल लगी कि ये पब्लिक हॉस्पिटल था उस ज़माने में जब मेडिकल साइंस था ही नहीं और एक्चुअली उसकी शुरुआत हो रही थी। लाइक वी स्टार्टेड डिस्कवरिंग एलोपैथी, मेकिंग आर ओन मेडिसिन, कुछ नए नए फॉर्मूले, डॉक्टर्स। जब ऐसे सब मेडिकल साइंस की शुरुआत हुई तब उन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया जनरल पब्लिक के लिए। सो इट वॉज़ वेरी चीप फॉर पीपल टू गेट ट्रीटेड हियर एंड इट वॉज ओपन टू द पब्लिक, नॉट जस्ट फॉर द रिच। सो इट्स क्वाइट कूल। So we have just completed the tour of the hospital and honestly it was amazing. Matlab, not only architecturally and how beautiful the mosaics and everything is, but also to see how much humanity has progressed in terms of medical science in the last few centuries. It is humbling. There's no other word. It's fantastic. अभी time हो गया है पेट पूजा करने का, so देखते हैं कि पास में क्या अच्छा मिलता है, hopefully something local. Let's see what we find. Because we wanted to eat local, what we did is we went to a very very authentic Spanish restaurant. So वहाँ पे सारे local लोग आए थे. In fact, menu भी English में नहीं था. So but one thing I noticed here कि यहाँ के लोग compared to the US बहुत ज़्यादा friendly है. कोई irritated नहीं रहता है. हमने हाथ से खाना खाया after a point. But किसी ने हमें judge नहीं किया. सब कुछ अच्छे से explain किया. और it was a very good feeling. The food was amazing और मज़ा आया. I think this is a good experience where you don't go to the tourist spots. You try to go to a very basic, regular, local restaurant and eat the local. So we had a great time. तो अभी हम जाने वाले हैं आर्किटेक्चर थोड़ा और एक्सप्लोर करने. यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जो बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ इज आर्किटेक्चर. तो अभी मेट्रो से जाएंगे और अलग अलग बिल्डिंग्स देखेंगे एंड होपफुली we will get to see some beautiful architecture and soak in more into the culture of Spain.
बार्सिलोना के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस बताता हूँ। एक तो यहाँ पे क्लिनलीनेस बहुत अच्छा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मैंने बताया अमेजिंग, यू कैन गेट एनी वेयर क्वाइट चीप, खाना लाजवाब है, जहाँ पे लोकल्स खाते हैं वहाँ पे खाओ। अनदर थिंग इज़ कि यहाँ पे टिप देना एक्सपेक्टेड नहीं है, जैसे मैं यूएस में काफ़ी साल रहा हूँ, हर एक जगह पे टिप देना इज़ वेरी एक्सपेक्टेड एंड पीपल जज यू इफ यू डोंट, यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है। कहीं पे भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि पीपल वर जजिंग सो और जजिंग अस एज अ ग्रुप, इवन इफ वी वर ईटिंग बाय हैंड और वी वर बीइंग आवरसेल्व्स व्हाटएवर वी वर डूइंग, सब लोग काफ़ी बिंदास और चिल है। तो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्लेस, यू शुड डेफिनेटली कम हियर। सो हम अब बहुत थक चुके हैं, सो वी आर जस्ट गोइंग टू हैव सम कॉफ़ी एंड टेक इट इजी, शायद थोड़ा शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे, बीच पे जाएंगे, बट दिस इज़ गोइंग टू कॉल इट अ डे एंड दिस इज़ द लास्ट डे इन बार्सिलोना। आई होप दैट यू लाइक दीज वीडियोज एंड इफ यू हैव स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज कल हम जाने वाले हैं कहीं और, तो उसका वीडियो भी आने वाला है। इट्स अवे फ्रॉम बार्सिलोना बट स्टिल इन स्पेन एंड या इफ यू लाइक दीज वीडियोज डेफिनेटली लाइक दैम डाउन बिलो, कॉमेंट कीजिए और बताइए कैसे लग रहे हैं वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड स्टे ट्यून्ड।